नमस्कार, कार्यक्रम समुदायको आवाजबाट। यो कार्यक्रमले समुदायको आवाजलाई समुदायकै पहलमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्छ। समुदायले जलवायु परिवर्तनका कारण आफूलाई परेको समस्याहरू उठाउँछन्। कार्यक्रमको मुख्य भाग समुदायले नै तयार पार्छ। बाहिरी मानिसहरूसँग कुरा गर्न थक मान्नेहरूले समेत यस कार्यक्रम मार्फत आफ्ना कुराहरू प्रष्टसँग राख्न सक्छन्। यसपटक हामीले समुदायले उठाएको सिँचाइ समस्या र त्यसले पारेको असरबारे जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ। पहिले 20 साल 25 साल पहिले के गप ने आके प्रवाह छले पाली छले की उस दिन में यहाँ के वर्षा के कनी सीजन बेसी टाइम छले बस टाइम टाइम पर भ गेल। अपने के दमकल बोरिंग के सिंचाई है कि नहीं? नहीं है। नहीं नहीं है तो भाड़ा में केकरो पड़ोसी? हाँ, केकरो भाड़ा पर। तो कते पैसा ले है? वो 200 घंटा ले है। 250 अपने तो महंग भला ना तो 250 पहले 200 के घंटा ले चली चले तो ते हिसाब ने अखन वो फोन अनकर है के तो पैसो लका तुक पर नहीं मिले। ऊपर नहीं मिले, तुक पर नहीं मिले, तो तुक तो मर गेले। मर गेले तो खेती ने उपजा धरती कथी? किसान बाप बाप करे है उन्हें होते कथी? खर्चा बेसी लगले, खर्चा बेसी लगले, उपजा बारी कम भ गेले। की करते तो अलिया माने किसान गरीब धनिक जमे के बाल बच्चा अब माने विदेश भर के। अपने के खेत कते है? हमरा खेत नहीं है, हमरा एको उठा नहीं, लेकिन हम बड़ बटाई कर 10 कट्ठा। 10 कट्ठा बचवा उचवा है कि नहीं? बचवा है, विदेश रहे है। एकटा विदेश गेल है? विदेश रहे है। एकटा गाड़ी घोड़ा काम कर ही विदेश से गेल है? ताहा के घर में कोनो असर पड़े ही कि नहीं पड़े? आइ के घर में 10 परिवार के आश्रम है, कोई बीमारी से मरे है, कोई खेनाइए बिनु मरे है, कोई लते के बरा बिनु बने है। एक आदमी गेले विदेश, कते पैसा कमे थे? पहला कमे थे, बड़ा कमे थे 20,000। 20,000 लेके तो आइए 40,000 खर्चे भ गेल। ओ पैसा से पूर्व तल भेलै? खेती तो जोर नहीं दिल के, आइए कैसे गवर्नमेंट जोर नहीं दिल के, जनता के तो नहीं देखल के, देखल के कुछ नहीं देखल के। अहिने जे गवर्नमेंट के करे के है तो किसान पर जाकर करो हेल्प, नहीं करते तो जा बाजार पाते एक गांव से गांव दौड़बे करते, रोज पेट चलबे करते, या कुछ आमदनी नहीं कर सकते ऊपर में आके। अहिने सिंचाई नाम से है ना, तो अहिने अब जे भी में होए यहाँ सब के हाथ में है, वो सब की करते आप माने यहाँ के गवर्नमेंट जे क्या करे से हम कैमरा ले छिए तोरे आवाज व्यक्ति व्यक्तिगत भरी छिए ई तहां सुनेबे के ओथा उ सुनेबे तो ओई में से केना सिंचाई निकालते केना के जनता के पालन करते। जन हर के जेना खेती करै छो तो कोनो समस्या अखनी अबै छो कि पहिने अबै छलो? नहि, अखनी तो जन के समस्या तो होइ है। कैला होइ है जन के समस्या? किसान और के कैला चलि लेले? कैला चलि देश विदेश लोग खुज गेले चलि गेले बाहर, त आब आदमी के त कंसेशन से त कोनो दिक्कत सिका से होइबे करै नै होइ से बात नै। आ पहिले तक चलि 10 टा 5 टा जदा अखनी 2 टा भेल, 2 टा भेल। हां, जे काम होते एक दिन में से हो 2 दिन में। जना पहिने बारिश बेसी होइ छलै कि अखनी होई है? पहिने होइ छलै बारिश, अखनी बारिश कम भ गेलै। कम भ गेलै, कम भ गेलै त केना क रोपनी ने त पानी चाही? त पानी चाही त आब नै है त दमकल बोर्डिंग से जे है से पटौली। हां, त अपने छो दमकल बोर्डिंग की भाड़ा में? भाड़ा में अपने नै? भाड़ा में कते पाई लै छो? भाड़ा में पाई लै आब 250 से आज 500 के 400 के घंटे कहि, 300 के घंटे कहि, घंटे कहि। जकरा अपना नहीं तो मुश्किल है बुझाई? बहुत मुश्किल समस्या, बड़का समस्या, बहुत समस्या। कृष जी, अहाँ गांव सब विदेश जे गेल है तो गांव समाज में की समस्या पड़े कि जना विदेश चल गए तो कौन असर पड़े? देखियो, विदेश जे गेले आदमी तो बुरो असर कहबे आ बनियो असर। बनिया कथी है तो मान लिया नेपाल, हम अहाँ नेपाल के मतलब जे बासी छी आ नेपाल के समस्या तो बुझते छी कि मतलब कतबो पढ़ लू लिख लू ये रोजगारी नहीं भऽ सके आदमी के। तेकर बाद मतलब जे रोजगारी नहीं भेला से बाद में आ नौकरी तो नौकरी के बाते छोड़ दी, नौकरी तो लगन मतलब जे गिनले चुनले आदमी के होइ है
जना बड़का बड़का नेता सबके बेटा भेले तो ओकरे सबके नौकरी मिलते, साधारण जनता के पूछी हेबे, ओकरा तो मारि मारि के भोजन करे अखनी के राक्षस नेता सब। आब जना ओकरा अब्सेंट में जना उ अखन नहीं है गाँव पर, उ विदेश है, ओकरा परिवार में कोनो प्रकार के समस्या भेले, तो कोनो प्रकार के समस्या भेले तो अइ ठाई के रह वाला युवक सब वो सब अपन मतलब जे कथी कहे फायदा उठेलक, उ ओकरा कहलक जे हे हमरा परिवार में कोई बीमारी भ गेलै कनी चल न ल चल न मतलब जे कोनो डॉक्टर ल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल सब जे है अपना सबके अथी जना माची झिटकुया में एक हॉस्पिटल है तो देखियो ना ओहिमे समय पर देखियो ना मतलब जे ओहिमे डॉक्टर है आ ने ओहिमे दवाई है, आ कोन मतलब जे कथी कहे सुइयो दिए के ओकरा सबके हाल जाने कि नहीं जाने है, एकोटा बोखारो आ मथो ठीक नहीं ओकरा सब बुते होय तो वही के लागे तो मतलब जे कथी कहे अंचले अस्पताल में या जनकपुर कोनो प्राइवेट डॉक्टर में ओकरा देखबो पड़े। तो युवक सबके मतलब जे कह केकरो ओकरा एकटा तो साथी चाही, मतलब पेशेंट के लकर जेते तो साथी तो चाही, तो आब ऊ जे मतलब जे ओकरा लकर गेल, ऊ लकर गेल तो वही लगन जे आब खाना पीना खेलक सारा चीज व्यवस्था भेल, उल्टे मतलब जे ओकरा पैसो तैसो दिए पड़े, तो जे जेना होय तेना मतलब जे ऊ अपन कैला तो समस्या रहे ओकरा पास में मतलब जे कथी कहे कोई अपन आदमी नहीं भेला के कारण पढ़ाई तो पढ़ाई हिसाब से मतलब जो व्यवहार करे तो ये मतलब जो बुरा असर कनी पड़ गए खास करके बढ़िया असर पड़ल है अखन तक नेपाल के जे विदेश जे नहीं रहती खुलल तो हमरा बुझाए आदमी आदमी के खा लेते तेहन समस्या मतलब नेपाल में देखा पड़ रहा है। सबसे पहले अहाँ अपन परिचय दिए तो पूरा जी हमर नाम भेले किरण साय, घर भेले सराबे, वार्ड नंबर 8, गांव बिसर माची झिटकिया, जिला धनुषा, नेपाल के रह वाला छी। अच्छा तो किरण जी अहाँ घर परिवार में या भाई हो या बेटा हो ओकरा कैला विदेश भेजे चाहे छी? सर हमरा सबके नेपाल में जे है एक किस्म से मतलब पढ़ो लिखो व्यक्ति जे है बेरोजगार भ जाए, ओकरा नौकरी जॉब अथवा कोनो किस्म के जैसे व्यवसाय बड़ कठिन से होय है, और पढ़ लिख लेलक जे है कि आईए बीए पास कर लेलक आ ओकरा जे है से लगन खेती गृहस्थी कर ला पड़ल, चाहे खेतियों गृहस्थी करे के लगे जैसे कोनो किस्म के सुविधा नहीं है, अब ते के चलते लोग की करो तो नेपाल में रह के जैसे नहीं ध्या सके है, अपना अपना बाल बच्चा अपना अपना धियापुता के नहीं पढ़ाई लिखा सके है पैसा के अभाव से, और हमरा ही नेपाल में जो है कि रोजगारों नहीं है ते के चलते विदेश जाला पड़े है, आ जब से मतलब विदेश गए तभी से जैसे कुछ नेपाल की स्थिति चाहे हमारे सबके गाँव घर की स्थिति इनका ठीक भले है, और विदेश में जो है कि मतलब दुख परिवार दुख संकट जो भी काट कर अल लगन आबि कर मान लिया जैसे कुछ प्रगति के ओर में गल है, लेकिन तैयो अ नेपाल में अखन तक लग बेरोजगारी समस्या खत्म नहीं है, मान लिया कह के मतलब कथी है तब अखन तक खेतियों बाड़ी जो नेपाल में करे है हमारे सबके गाँव घर में करे है तो बेगर पैसा से खेती बाड़ी नहीं हुई, बहुते सारा एहन दुख है हमरा सबके जना अखन तक पानी के अभाव है, बेगर खाद्य पदार्थ से मतलब खेती नहीं हुई है, बेगर पूंजी लगाने से खेती नहीं हुई है, अखन तक लग जे है कि मतलब दुनिया जहान जते जे है सबके सबके भाव कहाँ से कहाँ बढ़ गए, आ गृहस्थ परिवार में अनाज के भाव अखन तक लग नहीं बढ़ल है, ताहि के चलते आदमी बेरोजगार भेला के कारण विदेश जाला पड़ते और जाय पड़े है, और वही लगन से जो व्यक्ति रिटर्निंग हम सब अबे छे तो वह सब जैसे मतलब कहे है जो बच्चा के पठाबी विदेश नहीं रोजगार भेला के कारण। एक चीज है और इसमें जो कुछ बाकी छा रही गल कह के मतलब जना विदेश वास्तव में नेपाल के नागरिक जाए है विदेश से पाकर खनता नेपाल में जो एक रोजगार कायम भेल है, तो मान लिया वास्तव में नेपाल में एक पढ़ाई लिखाई के कमजोरी भेला के कारण हर व्यक्ति माने बहुते सारा व्यक्ति हर व्यक्ति के नाम नहीं कह बहुते सारा व्यक्ति जे कि जाकर वही लगन लेबर में काज करा पड़े, लेबर में काज करे पड़े तो लेबर के काजो अहाँ कोई लगन संकट हो संकट से जीवन बितबी है दू बरस बितबी है चाहे 4 बरस बितबी है आ दोसर नंबर में सैलरियो कम हुई, तो हम अपने सबसे एक आग्रह करब जो वास्तव में जे अ लगन सब नेपाल के नागरिक मतलब विदेश में जाए है एत कम सैलरी में जाए है दोसर में लगन खाना पीना के दिक्कत रहल
बहुते सारा एहन सब दुख है, मेडिसिन के दिक्कत रहल, भाषा लैंग्वेज के दिक्कत रहल, जे भाषा नहीं बुझलक, बहुते आदमी लगन से जैसे बीमारी भक तो कुछ भक एहन दिक्कत से मतलब चल अब है। तो सब पर ये हम कहब जे एटा सरकार के जैसे नेपाल सरकार के जैसे एटा अनुरोध करै छी हम सब ये गाँववासी सब जे कि अपने सब एहिपर कनिका सुधार देबै, एहिपर कनिका ध्यान देबै। और हमरा सबके गाँव में जना मान लिया कह के मतलब विदेश से जाए वाला व्यक्ति सबके विद्यार्थी सब जे कि मैंने स्कूल सब में पढ़ी लेकिन स्कूलों सबके जेहन मूर्खता है मान लिया जैसे मास्टर सब एहन है जे सोर्स पर मास्टर धो दलक 5 लाख रुपया जे लगन दे घूस तो लगन तुम पढ़ो के सर भैंसी चरबी तक धो दिए मास्टरी में आ वकरा को लिखन नहीं अभी बड़ू से निमन बल के विद्यार्थी रहिए क्लास में। तो सर सबसे पहले हम सरकार से आदेश कर अनुरोध करे जे वास्तव में शिक्षा के ऊपर किनका ध्यान दिया जाए ते सबसे मतलब कुछ अपना नेपाल के सुधरते स्थिति नहीं तो सर एना सुधर वाला बात न है। समुदायले उठाएका यस्ता आवाजलाई कार्यक्रमले नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउन सघाउँछ, समुदायको समस्याको निकास खोज्छ अनि फेरि त्यसलाई समुदायसम्म पुर्याउन सहयोग गर्छ। समुदायले बनाएको भिडियो हेरिसकेपछि सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारी र विज्ञ विशेषज्ञहरूको भनाई सुनाऊ। जस्तै अब धनुषाको केस हेरौँ, धनुषाबाट चाहिँ मतलब के पनि धेरै मानिस चाहिँ विदेश गए र धनुषाको त्यो गाउँमा हामीले हेरेको अहिले भिडियोमा चाहिँ त्यो गाउँमा पानी छैन। अब यो के भन्यो भने हरेक हाम्रो नेपाली गाउँहरूको यो धनुषाको गाउँले प्रतिनिधित्व गर्छ, खेतहरू बाँझो छ, धनुषामा त अझै अलिअलि भने पनि चाहिँ मतलब के भने खेती लगाएरहेछ। अब पहाडतिर हिमालतिर जानुभयो भने त मान्छेको अभावको कारणले यति धेरै चाहिँ खेतहरू बारीहरू र बाँझै छ होइन। तर अब किन यसो भयो, अब के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने र किन न यस्तो नभएको धनुषालाई के आवश्यक छ भन्यो भने धनुषाको कृषकलाई पहिलो कुरा चाहिँ मतलब के भने सरकारी नीतिले एउटा राहत प्याकेज प्रोग्राम हामीले दिनु पर्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ मतलब के भने हरेक यस्तो ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ सम्भव छ त्यहाँ चाहिँ मतलब के भने पानीको चाहिँ मतलब के भने सुविधा दिनु पर्यो। र तेस्रो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो भने खेतीलाई बढीभन्दा बढी युवाहरूको आकर्षणको चाहिँ मतलब पेसाको रूपमा हामीले बदल्न सक्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ मतलब के भने खेतीलाई चाहिँ मतलब के भने व्यवसायीकरण गर्नु पर्यो, खेतीलाई कमर्सियलाइज गर्नु पर्यो। यस कारणले कि धनुषामा हामीले भिडियोमा हेरेको गाउँमा खेती गरेर साउदी अरेबियाको 52 डिग्रीमा गएर र पैसा तिरेर गएर काम गर्नु भन्दा यही गाउँमा उसले खेती गर्दाखेरि जुन उसले नाफा कमाउन सक्छ साउदी अरेबियामा गएर काम गर्नुभन्दा बढी प्रभावकारी र आकर्षण हुने वा नाफा हुने मुनाफा हुने हामीले चाहिँ परिस्थितिको सृजना गर्न सक्दैनौँ भने यी चाहिँ धनुषाको युवा जस्तै मेरो गाउँ स्याङ्जाको जस्तै वा चाहिँ हिमाली भेगको चाहिँ डोल्पा हुम्लाको जस्तै कुनै पनि युवाहरूलाई साउदी अरेबिया मलेसियामा गएर र दैनिक चाहिँ 1500 देखि 2500 मान्छे लड्को लागेर चाहिँ जाने भन्दा पनि हामीले झन्डै झन्डै एक दिनमा 1 अर्ब रुपियाँको हामीले खाद्यान्न र सामान चाहिँ हरेक दिन हामीले आपूर्ति गर्छौँ। 1 अर्ब रुपियाँ नै फेरि हामीसँग विपेषण रूपमा चाहिँ आउँछ। हामीले यो 1 अर्ब रुपियाँमा ठुलो धनराशि खाद्यान्नमा प्रयोग हुन्छ, ल्याउनमा आयात गर्नमा खर्च हुन्छ। हामीले कोलभेडा भन्नुहोस्, प्याज भन्नुहोस्, अदुवा भन्नुहोस्, चामल भन्नुहोस्, तपाईँको दुध भन्नुहोस्, तपाईँको हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म 3 पटक खाँदाखेरि चाहिने हरेक कुरा जस्तै हामी चाहिँ मतलब के भने विभिन्न देशबाट आयात गर्छौँ। त्यो आयात गर्नलाई चाहिँ रोक्नको लागि पनि हामीले हाम्रो युवालाई चाहिँ अब लड्को लाएर विदेश पठाउनु हुँदैन र विदेश जानुभन्दा नेपालमै खेती गर्नुमा फाइदा छ भन्ने परिस्थिति हाम्रो सरकारको नीतिले चाहिँ उपलब्ध गराएर तिनीहरू चाहिँ यहीँ बसेर यहीँ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विकास गरे मात्र यी युवाहरू अड्किन्छन्। देशभित्र रोजगारी नपाएपछि एउटा युवा जनशक्तिलाई आफ्नो काम गर्ने आफ्नो ऊ देखाउने त काम गरेर आर्जन गर्ने त उसको अधिकारको रूपमा पनि हुन्छ। त्यो अधिकारको उपयोग यहाँ स्वदेशमा गर्न नपाए पनि विदेशमा गर्न पाउनुपर्ने उसको स्वाभाविक कुरा हुन आउँछ।
साथसाथै अब रहर पनि एउटा एउटाले अर्कोको देखा सिकी भनौँ न गाउँमा एउटा गा हुन्छ उसको अब राम्रो छ त्यसले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याएछ भने अब अर्कोलाई पनि त्यस त्यस्तो मेरो पनि त्यस्तै सहज हुन्छ कि भन्ने आशा लाग्नु स्वाभाविक हो त्यही आशा र देखा सिकीले अनि अर्को बाध्यताले दुईवटा कारण नै प्रमुख हो वैदेशिक रोजगार अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई एउटा दरिलो आधार बन्ने एउटा क्षेत्र हो अहिले यो हाम्रो विदेशभित्र चाहिँ पर्याप्त रोजगारी नभएको अनि उद्योगधन्दाहरू रोजगारीहरूको अवसरमा खुम्चिएको अवस्थामा यो वैदेशिक रोजगार हाम्रो यो बाध्यताको अवसरको क्षेत्र भयो भने यसमा विसङ्गति विकृति पनि धेरै छन् यसमा गर्नुपर्ने काम पनि धेरै नै छ र सुधारका क्षेत्र पनि धेरै कामहरू पनि भएका छन् अब यसलाई त्यही रूपमा सबैको चासोको क्षेत्रको रूपमा मैले बुझेको छु गाउँहरूको खेत बारी बाँझो छ युवाहरू सबै विदेश गए अहिले त चाहिँ गएर झन् अहिले त महिलाहरू पनि जान थाले यसकारण हाम्रो गाउँ नेपालको गाउँघर भनेकै एकदम कि त बुढाबुढी छ कि बालबच्चा मात्रै छ कि त केही महिलाहरू जो चाहिँ सानो बच्चा छ त्यस्तो मात्रै चाहिँ परिवार भएको मात्र अहिले चाहिँ मतलब के भने मानिसहरू मात्रै गाउँमा छ यसकारणले चाहिँ यो धनी साहको मात्रै केस होइन यो हाम्रो नेपाल भरिको यो गाउँले प्रतिनिधित्व गर्छ यसले अहिले पछिल्लो केही वर्षहरूको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने हामीले यो तराईतिरबाट चाहिँ जानेको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेछ पहाड क्षेत्रभन्दा पनि तराई क्षेत्रबाट जाने सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि बढी सङ्ख्यामा देखिन्छ जस्तै गत सालदेखि नै हामीले हेऱ्यौँ गत साल पनि धनुषा महोत्तरी यस्ता यस्ता सिरा यस्ता जिल्लाहरूबाट जानेहरूको सङ्ख्या झापा सुनसरीहरू तिनीहरूबाट सङ्ख्यामा उल्लेख्य रूपमै थियो सक्रिय जनशक्ति अब विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने पनि 25-40 वर्षका युवाहरू नै हुन्छ जनशक्ति र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको उमेर पनि लगभग त्यो आधारमा सक्रिय जनशक्तिले नै यो कृषि क्षेत्रमा अलिकति लगनशील भएर अलिकति बढी परिश्रम गरेर काम गर्न सक्ने भनेको जनशक्ति तिनै हुन् अब त्यो जनशक्तिको अभाव चाहिँ यता तराई क्षेत्रमा मात्रै होइन पहाडी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै देखिन्छ संसारको सबै जस्तो देशहरूले एउटा चाहिँ कृषकहरू एउटा प्याकेज दिएको हुन्छ एउटा राहतको कार्यक्रम दिएको हुन्छ त्यो भनेको बिउमा मलमा र बिजुलीमा र उसलाई पानी तान्ने पम्पमा र उसलाई चाहिँ मतलब के भने विभिन्न प्रकारको उसले सहुलियत दिएको हुन्छ त्यो एउटा प्याकेजै दिएको हुन्छ तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्राप्त छैन यसकारणले किन दिएको भनेदेखि हामीलाई सबभन्दा हाम्रो जरुरी कुरा चाहिँ खाद्यान्नको आपूर्ति हो हामी सबै कुरा बरु कमेज बरु बेग्लै लाउँला बरु कोट बरु बेग्लै लाउँला तर खाद्यान्न हामीलाई दिनमा तिनपटक चाहिन्छ त्यस कारणले चाहिँ मतलब के भने खाद्यान्नमा हामी कम्प्लिटली अर्को राष्ट्रसँग परनिर्भर हुन सक्दैनौँ त्यस कारणले चाहिँ खाद्यान्न न्यूनतम हामीलाई चाहिँ चाहिने चाहिँ खाद्यान्न आपूर्ति देशभित्रैबाट उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने हरेक देशको नीति हुन्छ हाम्रो देशमा पनि छ तर त्यो कृषकलाई हामीले दिन सकेका छन् अब यो त अब वैदेशिक रोजगार विभाग सरकारको एउटा सानो सामान्य निकायले मैले नि यस्तो होला भन्न सकिँदैन तर अब सरकारको अरू निकायहरू मलाई लाग्छ जस्तै युवा स्वरोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर अरू विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ स्वदेशमै केही काम गर्ने उद्यमशीलता बढाउने किसिमले कार्यक्रमहरू सरकारले सञ्चालन गरिरहेकै देखिन्छ अब तर त्यसले पनि सोचे जति सफलता चाहिँ हासिल गर्न सकेका छैन समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर बुझ्न र बुझाउन सहयोग गर्ने यो कार्यक्रम नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट आइडब्ल्युएमआईको संयुक्त पहलमा तयार पारिएको हो हस् त कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् अर्को पटक यस्तै विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलका लागि नमस्कार।